This program is possible by the support and prayers of partners and well-wishers of Jesus Redeems Ministries. Exercise करने के लिए कोई कारण है ऐसा? ये भाई साहब बोल रहे हैं ना? वो कारण क्या है जरा पूछते हैं। लंबी उम्र तक जीकर हमारे देश में ये शहद और दूध की नदियां बहाने वाले हैं भैया। अब बताओ तो सही कारण क्या है? आपके संग वो रह रहे हैं ना, आपके अंदर ही वो वास कर रहे हैं ना, ये कितना बड़ा सौभाग्य है ना। यही तो वचन भी कह रहा है, तुम परमेश्वर का मंदिर हो, तुम्हारे अंदर ही वो वास करते हैं। क्या हुआ, मुझे आप ऐसे देख रहे हैं? चंद्रिका, जब भी मैं कंपनी से आता हूँ तो एकदम दौड़ के आके मेरी कार का दरवाजा खोलने में तुम्हें कितनी खुशी मिलती है। हाँ सच कहा, लेकिन खुशी से भी ज्यादा आप पर मैंने प्रेम रखा हुआ है। तुम्हारा जो प्रेम है एकदम सच्चा है, परिपूर्ण उजाला। हे पत्नियों, तुम अपने पति का आदर करो। यीशु मसीह के इस वचन अनुसार तुम मेरा आदर करती हो। हे पतियों, अपनी पत्नी से प्रेम रखो। यीशु मसीह के इस वचन अनुसार आप भी मुझसे बहुत प्रेम रखते हैं। हमारा जो चाल चलन है वो यीशु मसीह के मार्ग पर है, इसीलिए जिन्हें हम चाहते हैं वो अलग नहीं होते। प्रभु ने हमें श्रेष्ठ बना के रखा है। अरे क्या है, मुझे भी पीने देना। सुनो सब लोग, जी भर के पियो, ठीक है? बहुत माल पड़ा है। दम मारने के लिए सिगरेट भी है। दम नहीं कहा यार, जिम कहा। अच्छा ठीक है, जिम जिम। हाँ जिम। हाय दिवाकर साहब। नमस्ते चिंतामणि जी। हाँ हाँ नमस्ते साहब। नमस्ते मैडम। नमस्ते सर। आप दोनों जो जा रहे हैं जॉगिंग के लिए या वॉकिंग के लिए? ये दोनों ही नहीं। हाँ ब्लेसिंग। हाँ ये क्या हो रहा है, जॉगिंग के लिए या वॉकिंग के लिए? जब पूछा तो ब्लेसिंग के लिए बोल के जा रहे हैं। इस तरह की एक्सरसाइज तो मैंने कभी कहीं सुनी ही नहीं। चंद्रिका अब चले? हाँ ठीक है चलो। हेलो। एक्सरसाइज करके जा रहे हैं। हाँ हमें देख के हंस क्यों रहे भैया?
हंसेंगे नहीं तो और क्या करेंगे? इस तरह से एक्सरसाइज करेंगे तो हंसी आएगी ना? तुम लोगों को हंसी आए ऐसा हमने क्या कर दिया? बात ये है कि उम्र वाले वॉकिंग करे तो अच्छा है, लेकिन तुम लोग वॉकिंग करके जिम में आकर एक्सरसाइज करते हो, ये कुछ ज्यादा नहीं है? इसीलिए तुम दोनों को देख के हमें हंसी आ रही है। भैया, यहाँ पे इस जिम का जो ट्रेनर है और हमारा जो फैमिली डॉक्टर है, उनसे सलाह लेकर हमसे हो सके उतनी एक्सरसाइज करते हैं, और उसका एक कारण है भैया। एक्सरसाइज करने के लिए कोई कारण है ऐसा ये भाई साहब बोल रहे हैं ना? वो कारण क्या है जरा पूछते हैं। लंबी उम्र तक जीकर हमारे देश में ये शहद और दूध की नदियां बहाने वाले हैं भैया। अब बताओ तो सही कारण क्या है? क्या कारण है? सुनो भैया, हम दोनों को जो प्रभु ने ये शरीर दिया है, मन दिया है, खराब किए बिना उसे स्वस्थ रखने के लिए हम ये एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, क्योंकि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर का मंदिर पवित्र रहना चाहिए, ऐसा पवित्र बाइबल में कहा है भैया। इसलिए प्रभु का दिया शरीर खराब नहीं करना चाहिए, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए काम आना चाहिए। और इसीलिए हमने अपने शरीर के अंग दान कर रखे हैं। क्या कहा? शरीर के अंग दान कर रखे हैं। और हमारे जो अंग दान होंगे वो हमेशा स्वस्थ रहने चाहिए। मेडिकल कॉलेज के छात्रों को एनाटॉमी स्टडीज के लिए जो काम आते हैं उसमें दान में आए किसी भी शरीर में HIV की बीमारी नहीं होनी चाहिए, हेपेटाइटिस किसी भी तरह का वायरस नहीं होना चाहिए। इतना ही नहीं, कैंसर, जिन्हें TB है या नशीले पदार्थ लेते हैं, उनका शरीर किसी के काम नहीं आ पाता है। ये बात है। और ये सारी बीमारियां हमें नहीं है, क्योंकि हम लोग जो हैं परमेश्वर का मंदिर है। आप भी परमेश्वर का मंदिर बन के रहें। आपसे प्रेम रखने वाले यीशु मसीह से आप भी प्रेम रखें। पाप छोड़कर पवित्र जीवन जियो और दूसरों की भलाइयां करो। अच्छा, हम चलते हैं। चलते हैं भैया। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु मसीह के नाम से आपका हार्दिक स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम रखते हैं, इसीलिए ये कार्यक्रम आप देख पा रहे हैं। क्यों पता है? वो आपको आशीष देना चाहते हैं। आप संतुष्टि प्रसन्नता से स्वस्थ और आशीषित रहें, इस प्रकार से प्रभु चाहते हैं। हम उनकी संतान हैं, वो हमारे पिता हैं, वो हमारे सृष्टिकर्ता हैं, उनके द्वारा हमारी सृष्टि हुई है, वो हम में रुचि रखने वाले परमेश्वर हैं। केवल हमारी आत्मा के विषय में ही नहीं, हमारे शरीर के विषय में भी वो अधिक रुचि रखने वाले परमेश्वर हैं। हम स्वस्थ रहें, चंगे रहें, ऐसा प्रभु चाहते हैं। हमारे शरीर के विषय में वो इतनी रुचि क्यों रखते हैं, उसके लिए बाइबल से मैं कुछ वचन पढ़ के सुनाऊंगा, तब आप ये समझ पाएंगे। 1 Corinthians 3:16-17 में पढ़ के सुनाता हूँ। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो, वो मंदिर आप हैं। परमेश्वर कहाँ वास करते हैं? ईश्वर कहाँ है? इस प्रश्न का आप क्या उत्तर देंगे? हर किसी का अपना अपना विश्वास। कुछ कहेंगे कि वो वहां रहते हैं, कुछ लोग यहां जाएंगे तो ईश्वर को देख सकते हैं, कुछ लोग कहेंगे इतना लंबा सफर तय करेंगे तो ही देख पाएंगे, ईश्वर यहाँ है वहाँ है ऐसा बोलते रहते हैं। हो सकता है कि मसीही आराधनालय में ईश्वर रहते हैं। ठीक है, आराधना होते ही सबके जाने के बाद दरवाजे बंद करते हैं, तब भी वहाँ ईश्वर रहते हैं ऐसा सोच रहे हैं? जहाँ मनुष्य नहीं वहाँ ईश्वर नहीं रहते हैं, वो कोई और है।
जहाँ मनुष्य नहीं होते हैं वहां पर शैतान घूमता रहता है। प्रभु वैसे नहीं है, वो मनुष्य के साथ वास करते हैं। उनके विषय में बाइबल में हम यही देखते हैं। तो प्रभु ने स्वयं कहा है, मनुष्यों द्वारा बनाए गए आराधनालय में मैं वास नहीं करता हूं। तो फिर आराधना के लिए क्यों जाएं ऐसा पूछेंगे तो, वो सभा की आराधना है। वहां परमेश्वर की स्तुति करते हैं, प्रभु के वचनों का प्रचार किया जाता है, सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना का घर है, इसलिए हम वहां जाते हैं। वहां दो तीन लोगों के नाम की सहमति से रहता हूं, ऐसा यीशु ने कहा। यीशु के नाम से जब आराधनालय में प्रवेश करते हैं तो उनकी उपस्थिति होती है। बस इतना ही, जब हम सब बाहर चले जाते हैं तब वहां वास नहीं करते हैं। तब प्रभु से यदि पूछेंगे कि तुम कहां वास करते हो तो कहेंगे, तू ही तो मेरा मंदिर है। वचन में यही कहा गया है कि तुम वो मंदिर हो और हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का वास करने का स्थान। हाँ मेरे प्रिय मित्रों, जब परमेश्वर के आराधनालय का निर्माण किया जाता है तो आराधनालय में तीन भाग होते हैं, बाहरी आंगन, पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान। इस परम पवित्र स्थान में ही वाचा का संदूक होता है, जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति उतर कर आती है, वो स्थान जहाँ प्रभु बात करते हैं। ठीक वैसे ही मनुष्य का शरीर बना हुआ है, उसका बाहरी शरीर, उसकी आत्मा, उसके प्राण। हमारे शरीर में भी तीन भाग होते हैं। प्रभु हमारी आत्मा में वास करते हैं, हमारे अंदर वास करते हैं, हमारे शरीर में। इसीलिए तो हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, इस प्रकार कहा गया है। तो आकाश व पृथ्वी के सृष्टिकर्ता पवित्र परमेश्वर हमारे अंदर वास करते हैं। आप परमेश्वर का मंदिर हैं जब कहा है, तो परमेश्वर का मंदिर पवित्र रहना चाहिए, ऐसा पवित्र शास्त्र में कहा है ना? तो हमारा शरीर पवित्र रहे उसके लिए हमें ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए तो शरीर को नष्ट करने वाले ये जो नशीले पदार्थ हैं, इस प्रकार की अशुद्ध सामग्रियों का सेवन ना करें, ऐसा कहा गया है। सिगरेट ना पीने के लिए बाइबल में लिखा है, ये नहीं करना वो नहीं करना बाइबल में लिखा है, ऐसा बोल के कई लोग वाद विवाद करते हैं। इनसे आपके शरीर को नुकसान पहुंचता है, गलत आदतों से आपके शरीर को नुकसान पहुंचता है, लीवर को, किडनी को हानि पहुंचती है, हृदय को हानि पहुंचती है। इसलिए इस प्रकार के कार्यों को हमें स्थान नहीं देना चाहिए, क्योंकि शरीर परमेश्वर का मंदिर है। जो मंदिर को नष्ट करेगा परमेश्वर उसे नष्ट करेंगे, ऐसा कहा गया है। हमारा शरीर जो परमेश्वर का मंदिर है, उसे पवित्र न रखकर नशीले पदार्थ और बुरी सामग्री का सेवन करके हम यदि नष्ट करेंगे तो हमारे जीवन में आशीष नहीं होगी, यही पवित्र शास्त्र का वचन कह रहा है। तो क्या आप अपने शरीर को लेकर सचेत हैं? देखिए, सोने के समय सोना है, खाने के समय पर खाना खाना है। हमें अपने शरीर को पूरी तरह से सुरक्षित रखने में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर इसमें वास करते हैं। मैं क्यों अपने शरीर को चाहता हूँ? इसलिए कि इसमें परमेश्वर वास करते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ। इसे क्यों स्वस्थ रखने की मैं कोशिश करता हूँ? क्योंकि परमेश्वर इस मंदिर में वास करते हैं। इसीलिए खाने में ध्यान देता हूँ, सुबह सवेरे उठकर 31 मिनट से 45 मिनट तक वॉकिंग जाता हूँ। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मैं अपने शरीर को सुरक्षित रखता हूँ। क्या आप ऐसा करते हैं? मेरे प्रिय मित्रों, मैं रोजाना सुबह भोर में ही उठकर बाइबल पढ़कर 2-3 घंटे प्रार्थना करके फिर 40 मिनट थोड़ी बहुत कसरत करके अपने शरीर की देखभाल करता हूँ। उसके लिए शारीरिक कसरत, वॉकिंग करना, यहाँ तक कि मैं प्रार्थना करते हुए भी चलता हूँ। हमारे शरीर में से जब तक अच्छे से पसीना न निकले तब तक चलना चाहिए, तभी हमें अच्छे स्वास्थ्य का आभास होगा। अपने शरीर को स्वस्थ रखने का प्रयास करना चाहिए। प्रभु ने एक दिन दरार की प्रार्थना सभा की जब मैं तैयारी कर रहा था, कितने सारे लोग आते हैं पिता, थोड़े से लोग ही चंगे हो पाते हैं, अनेक लोग चंगाई पाए बिना जाते हैं, अब से सब लोग चंगाई पाएं, ऐसी मैं प्रार्थना कर रहा था। तब एक दिन प्रभु ने कहा कि बेटे, कई लोगों का चंगाई ना पाने का कारण वही है। प्रभु ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो लोग एक उम्मीद के साथ आते हैं कि बीमारी ठीक हो जाएगी,
इस प्रकार से जब मैंने पूछा, कई लोग चंगाई पाने के बाद भी फिर से बीमार पड़ जाते हैं, इसलिए कि चंगाई की सुरक्षा नहीं कर पाते हैं। अपने शरीर को सुरक्षित रखना है, स्वस्थ रखना, इस प्रकार से लोगों में कोई रुचि नहीं है। उन्हें चंगाई पाने से कोई फायदा नहीं। उन्हें मैं चंगा कर भी दूं तो फिर से वो बेकार का खाना खाएंगे, स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देंगे और फिर से बीमार पड़ जाएंगे। वो खुद बीमारी को दावत देते हैं, तो उन्हें चंगाई देकर क्या फायदा? प्रभु ने ऐसा प्रश्न किया। ये सच है ना? आपको अपने शरीर पर ध्यान देना चाहिए। कुछ कहते हैं आत्मा पवित्र रहनी चाहिए, परमेश्वर बस यही देखते हैं। इसीलिए मैं साफ साफ कह रहा हूँ, तुम वो मंदिर हो। हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? कोई यदि परमेश्वर का मंदिर नष्ट करेगा, ये तीनों मुख्य हैं, हमारी आत्मा प्राण देह तीनों की देखभाल करनी होगी। केवल आत्मा की ही नहीं, प्राणों में पाप का दाग लगाने का शैतान प्रयास करेगा, उस पाप को स्थान न मिले, ऐसे ध्यान रखें। हमारी आत्मा में डर, चिंता, निराशा, तनाव लाने का शैतान प्रयास करेगा, इन्हें स्थान दिए बिना अपनी आत्मा का ध्यान रखें। हमारे शरीर को पाप में फांस कर उस पे दाग लगाकर शरीर में बीमारी लाकर दुर्बल बनाने की कोशिश करेगा, उससे आप सचेत रहें। तीनों बातों में हमें ध्यान रखना होगा, क्योंकि इन तीनों के मिलने से ही हम और हमारा शरीर है, आत्मा प्राण देह, यही वो हम में वास करते हैं। इसलिए आपको इस पर ध्यान रखना होगा। क्या आप इस पर ध्यान रखते हैं? आप अपने शरीर को उचित पोषक देते हैं? उचित मात्रा में खाकर बचा हुआ खाना कूड़ेदान की तरह सब कुछ अपने शरीर में न डालें। इसलिए इस पर भी ध्यान रहे, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे तभी यीशु की महिमा कर पाएंगे। इसलिए हमारा जो शरीर है, तुम परमेश्वर का मंदिर हो, मुझे आभास कराओ प्रभु। मैं तुम्हारा मंदिर हूँ, उसके लिए तुम्हारी स्तुति हो। मुझ में तुम वास करते हो, उसके लिए स्तुति हो, ऐसा कहें। हम भाग्यवान हैं जो यीशु पर विश्वास रखते हैं। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पैसा खर्च करके वहाँ पैसा खर्च करके जाना। यरूशलेम में जाने पर ही स्वर्ग लोग जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। यरूशलेम पुण्य स्थान नहीं है। जहाँ यीशु जन्मे, जहाँ उन्हें क्रूस पर चढ़ाया, वो जगह देख सकते हैं, गलत नहीं है, जाना चाहिए। लेकिन वहाँ जाने पर ही स्वर्ग लोग जा सकते हैं, ऐसा बाइबल में नहीं लिखा है। हम मसीहियों का कोई पुण्य स्थान नहीं है। पुण्य स्थान कौन सा है पता है? आपका शरीर, आप स्वयं, आपके अंदर ही वो वास करते हैं। आप पवित्र रहें, इसकी देखभाल करें। आप अपने शरीर की देखभाल करें, किसी बुराई को स्थान न दें, क्योंकि वहाँ पवित्र परमेश्वर वास करते हैं। इसलिए अपने शरीर को पवित्र रखने का प्रयास करें, बस इतना ही। उनसे मिलने के लिए नाल मावड़ी जाएंगे तो ही मिल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नाल मावड़ी प्रार्थना करने का स्थान है, प्रभु के वचन बताते हैं, बस इतना ही। पुण्य स्थान नहीं है, इस पहाड़ी पे जाना है, वहां जाना है, यहां जाना है, यीशु मसीह दर्शन देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपके घर में ही, आपके संग वो रह रहे हैं ना, आपके अंदर ही वो वास कर रहे हैं ना, ये कितना बड़ा सौभाग्य है ना। यही तो वचन भी कह रहा है, तुम परमेश्वर का मंदिर हो, तुम्हारे अंदर ही वो वास करते हैं। यीशु को हम कहाँ स्वीकारते हैं? अपने अंदर स्वीकारते हैं, अपने हृदय में, हमारे अंदर ही, हमारे शरीर में ही वो वास करते हैं। यीशु मेरे हृदय में आओ, मेरे संग रहो, वही है यीशु। यीशु से मिलने यहाँ आओ, वहाँ आओ, वहाँ जाके व्रत रखो, यहाँ उपवास रखो, यहाँ भेंट चढ़ाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। यीशु बहुत ही अद्भुत है, क्योंकि वो सच्चे परमेश्वर हैं, वो सच्चे ईश्वर हैं, हमारे पिता हैं। उन्हें हमसे कुछ और अपेक्षा नहीं है। अपने हृदय में स्थान दो, मैं तुम्हारे अंदर वास करूंगा, क्योंकि तुम मेरा मंदिर हो, तुम्हारे संग रहूंगा। कितना बड़ा सौभाग्य है ना, परमेश्वर हमारे हृदय में वास करते हैं, कितनी बड़ी महिमा है ना। क्या ये अनुभव आपने पाया है? नहीं तो आज ही कहिए, प्रभु अपनी आत्मा प्राण और देह तुम्हें समर्पित करता हूँ, मैं अपना शरीर तुम्हें सौंपने के लिए मेल मिलाप करता हूँ, ये पवित्र रहना चाहिए, मेरी आंखों में पवित्रता, सोच में पवित्रता, क्रिया में पवित्रता, मैं उसके लिए मेल मिलाप करता हूँ, कहिए। मेरी आत्मा पर पाप का कोई दाग नहीं लगना चाहिए, मेरी आत्मा अपने लहू में रखकर सुरक्षा करें, उसे पवित्र बनाएं। मेरी आत्मा में डर, उलझन, निराशा न आने पाए, मैं सदा आत्मा में मग्न रहूं, पवित्र आत्मा से मुझे भर दो। ऐसे अपनी आत्मा प्राण देह को प्रभु को सौंप कर उनके संग जीने के अनुभव में आप आ गए तो हमेशा संतुष्ट रह सकते हैं, हैप्पी रह सकते हैं,
प्रसन्न रह सकते हैं। शैतान कैसा भी आक्रमण करे, यीशु के नाम से चंगाई, छुटकारा, आशीष प्राप्त कर सकते हैं। तो आपने अपने शरीर को प्रभु के मंदिर से मेल मिलाप कर लिया है। प्रभु, मैं स्वयं को तुम्हारा मंदिर स्वीकारता हूँ। मेरे अंदर आकर तुम वास करो, मेरे संग रहो, बोल के मेल मिलाप करेंगे ना। यीशु मसीह के नाम पर जो भी विश्वास रखते हैं और उन्हें स्वीकारने वाले जितने भी हैं, उन सबको परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार दिया है। यूहन्ना पहला अध्याय 12वां वचन, आपको उन्हें स्वयं में स्वीकारना है। मेरे हृदय में आओ, मेरे संग रहो। जो उन्हें स्वीकारना चाहते हैं अपने हृदय पर हाथ रखकर मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। अपने हृदय पर हाथ रखकर आंखें मूंद लें। हे यीशु, मेरे हृदय में आओ, मेरे अंदर वास करो, मेरे पाप क्षमा करो, मेरी आत्मा प्राण देह को पवित्र करो, क्योंकि मैं तुम्हारा मंदिर हूँ, ऐसा बोलकर मेल मिलाप करें। परम पिता, जो भी अपने हृदय पर हाथ रखकर हे यीशु मेरे पाप क्षमा करो, मेरे हृदय में आओ, मेरे संग रहो, मैं अपनी आत्मा प्राण देह तुम्हें समर्पित करता हूँ, बोलकर जो प्रार्थना कर रहे हैं, इस भाई के अंदर, इस बहन के अंदर तुम्हारी उपस्थिति उतर कर आए। तुम इनके अंदर वास करो, पाप से इन्हें छुटकारा दिलाओ, अपने लहू से इनका हृदय शुद्ध करो, इनके शरीर को पवित्र बनाओ। पाप इन्हें छू न पाए, वैसे इनकी आत्मा प्राण देह को पवित्र बना दो। पवित्र आत्मा से इन्हें भर दो, आत्मा से इनका अभिषेक करो, इनके संग रहो। आज से ही संतुष्टि, प्रसन्नता, आनंद इनके मन में समा जाए। ऐसा करने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। हमारा शरीर तुम्हारा मंदिर है, इसमें बीमारी दुर्बलता लाने के लिए शैतान को अधिकार नहीं। जो भी इस समय बीमारी और निराशा को लेकर चिंतित हैं, यीशु मसीह के नाम से वो बीमारी दूर हो जाए, मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु, तुम्हारा जो मंदिर है वो शरीर इसी समय चंगाई पाए, बीमारी दूर हो जाए, दुर्बलता दूर हो जाए, छुटकारा प्राप्त हो, डर इनके मन से दूर हो जाए, उदासीनता दूर हो जाए, मन की उलझने दूर हो जाए। प्रभु के संग छुटकारा पाकर आनंदित रहें, वैसा करो। तुम्हारा सामर्थ्य छू रहा है, उसके लिए स्तुति हो। छुटकारा मिल रहा है, उसके लिए स्तुति हो। इनके शरीर की आत्मा और प्राण को जकड़ने वाले नासूर शैतान को फटकारता हूँ यीशु के नाम से। अच्छी चंगाई बल देकर सुरक्षा करो। आज से ही बदलाव आना चाहिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं परम पिता। आमेन, आमेन। मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु ने आपकी प्रार्थना सुनी, वो आपके हृदय में आ गए। खुशी की बात है ना। रोजाना कहिए कि प्रभु, मेरे हृदय में रहने के लिए तुम्हारी स्तुति हो। मेरे शरीर को अपना मंदिर मानकर उसमें वास करने के लिए तुम्हारी स्तुति हो। मैं खुद को पवित्र रख सकूं, वैसी कृपा करो, बोलकर रोजाना प्रार्थना करें। बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करें, प्रभु कृपा करेंगे, संतुष्ट रहें। यीशु आपके संग आपके हृदय में हैं, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। यीशु मसीह का आशीर्वाद सदा आपके जीवन में छाया रहे। आमीन। फॉर फर्दर डिटेल्स एंड प्रेयर सपोर्ट कॉन्टैक्ट जीसस रिडीम्स मिनिस्ट्रीज, नालू मावड़ी, ट्यूटीकॉरन डिस्ट्रिक्ट 628211। Our phone number 04639220022. info@jesusredeems.org. God bless you.